यहाँ जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इस पर कहीं ना कहीं ईमानदारी का सप्रे डालकर आप एक बार सिद्ध कर दीजिए कि आपकी सरकार में और आपके क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। रोड सुनने शुरू हो गए हैं विधायक जी, सांसद जी, ठीक से देख लीजिए और सुन लीजिए, मेरे आरोप नहीं है। जब हमने विधायक चुन दिया तो हमें शिकायत लिखने की क्या जरूरत है, जब विधायक जी को इसकी जानकारी दे दी गई तो विधायक जी की ड्यूटी बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूँ सत्येंद्र यादव। ये अटेली विधानसभा और अटेली खंड का मोहनपुर गांव है। ये आज जो मामला है, हमें कुछ लोगों ने जानकारी दी, यहाँ के ग्रामीणों ने मुझे फोन करके बताया कि यहाँ जो एक सड़क BNDR के द्वारा बनाई गई थी उसमें बहुत ज्यादा भारी गोलमाल है। और अब एक साक्षी ने विधायक जी को फोन कर भी इसकी जो है जानकारी दी है। इसकी जो हमने इससे पहले इस सड़क के बारे में जब हमने अधिकारियों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया 2.3 किलोमीटर की सड़क है और रिपेयरिंग का काम हुआ, आपको बता दें, बनाई नहीं गई है और इस पर 30 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया है। इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ कुछ साथी। सर, ये जो यहाँ छोड़ दिया गया है इसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? भाई, ये 200 फुट छोड़ दियो, 200 फुट जगह छोड़ दी, बनाया नहीं, क्या बोले? आपने कभी बताया ठेकेदार को, भाई कर लो, इसने बना, बोले बाद में बनाएंगे, रोड टाइल लगेंगे, बाद में मोटी टाइल लगेगी। ये आपको एक तरह से सरकाने का जो है उन्होंने काम किया, आप क्या कुछ कहोगे? ये बोले मोटी टाइल लगेंगी जी और इससे पानी भरता है। अच्छा, हमारे एक साथी ने अभी विधायक जी को फोन किया था, कहाँ है? हमारे एक साथी हैं जिन्होंने अभी विधायक जी से इस बारे में जानकारी दी कि यहाँ जो है प्रेस के साथी भी आए हुए हैं और जो इस सड़क को 200 फुट तक जो है छोड़ दिया गया है। भाई, क्या नाम आपका? मेरा धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपने अभी विधायक जी को जो फोन किया उसमें क्या जानकारी आपने विधायक जी को दी? विधायक जी ने कहा है अभी रोड बनी है, मेरे को मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी मैं बात करके अभी बताता हूँ। हाँ, तो विधायक जी हम आपको बता देते हैं, सांसद जी आप भी सुन लीजिए, आप भी देख लीजिए, यहाँ आप बार बार ईमानदारी के दावे करते हैं लेकिन धरातल पर जब हम आकर देखते हैं तो कहीं भ्रष्टाचार की बू लगभग हर जगह पर आ जाती है। लेकिन यहाँ जो इन ग्रामीणों ने मुझे बताया कि यहाँ बिल्कुल 200 मीटर की सड़क जो है अधर्म छोड़ दी गई, और ग्रामीणों को जब ठेकेदार से बातचीत की तो उन्होंने ये बता दिया कि टायर लगेंगे, मोटी वाली टायर लगेंगे। हमारे साथ माता जी है। माता जी, आपने यहाँ जब आप आते जाते रहते हो, आपकी किसी बात हुई? पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, मोटर टायर लगेंगे। कल माता जी परसों या जब भी आप कहीं यहाँ काम कर रहे थे तो ठेकेदार को बताया आपने, किसी कर्मचारी को बताया आपने? ना तो वो जैसे चढ़ रहा था वो भाई, वो नहीं बताया। हाँ, क्या बोले? बोले मोटर टायर लग गई यहाँ इस सड़क पर। ये पहले डंबल की सड़क बनाई जा चुकी है, तारकोल की जो सड़क है वो बनाई गई है, अब ये कह रहे हैं एक तरह से बहकाने की बात यहाँ ठेकेदारों के द्वारा, उनके जो ठेकेदार के कर्मचारी उनके द्वारा यहाँ माता जी को बताया गया कि मोटी वाली टाइल लगी, जबकि इसके ऊपर तो टाइल लग ही नहीं सकती है। और क्या कुछ कहोगी माता जी? है और क्या कहोगे आप? मार्तकोटा था, पानी भरा है सर। जब कभी बरसात का मौसम होता है यहाँ पानी भर जाता है, तो माता जी ने कहा कि ये जो रोड बिखरा हुआ है इसे आप कर दीजिए, लेकिन उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा और बहकाते हुए कह दिया कि यहाँ मोटी वाली टाइल लगेंगी, अब कब लगेंगी ये देखना बाकी है। सर, आप क्या कुछ कहोगे? भाई, यही कहना चाहेंगे विधायक जी को कि आप ठेकेदार से बात करके इस काम को करवाएं, गांव की एक मेजर समस्या है, लोग परेशान इससे। ये काम चलने वाला नहीं है, काम जब धरातल पर होगा तो ये गांव खुश होगा। तो विधायक जी से इन्होंने आपको शिकायत भी लिख रखी है आपने? कोई नहीं शिकायत, भाई साहब ने फोन पे बात की थी विधायक जी से, तो विधायक जी ने कहा है कि भाई मैं अपने ठेकेदार से आधे पौने घंटे में। बिल्कुल सही बात है, जब हमने विधायक चुन दिया तो हमें शिकायत लिखने की क्या जरूरत है, जब विधायक जी को इसकी जानकारी दे दी गई तो विधायक जी की ड्यूटी बनती है कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच करवाए। और भी क्षेत्र में सड़कें बनाई जा रही हैं उनके लिए, और कई सड़कें ऐसी जिनका रिपेयरिंग का बिल ही 40 से 50 लाख के बीच का होता है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का। ऐसा कौन सी धातु उसमें डालते हैं, कौन सा मेटेरियल डालते हैं, ये समझ नहीं आता, और उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी कोताही जो है बरती जाती है। और कुछ साथी, सर आप क्या कुछ कहोगे? मेरा नाम योगेंद्र यादव है जी, मैं पूर्व सरपंच, मेरी मैडम रही हुई है जी। इस रोड की जो माल गिरा है वो अभी से ही टूट, किस तरह की क्वालिटी आपने ठेस तक देखा होगा? ये गुजरवा रोड है, 2-3 बार जा चुका हूँ, देखा है, मैंने मोटरसाइकिल से भी जा रहा हूँ, तो इसकी रोड ही उखड़ने शुरू हो गई है, रोड उखड़ने शुरू हो गए हैं। विधायक जी, सांसद जी, ठीक से देख लीजिए और सुन लीजिए, मेरे आरोप नहीं है, ग्रामीणों के आरोप है कि यहाँ अभी से जो है भ्रष्टाचार की रोड यहाँ उखड़ने लगी है। और क्या कुछ कहोगे? और 200 फुट का जो छोड़ दिया गया रोड वो पूरा करें, क्योंकि जो टाइल लगनी है वो टाइल लग चुकी है पहले से ही, लगी टाइल का तो काम ही नहीं है, टाइल का काम नहीं है, या रोड डामर का ही रोड बनेगा, और रोड बने हुए हैं उनकी लॉकिंग भी आज तक नहीं हुई है, जो 1-1.5 साल से टाइल बिछ चुकी है उनकी लॉकिंग नहीं हुई है, तो ये ध्यान दे। तो उसके बारे में ध्यान को आपने बताया होगा,
कई बार अवगत करा चुके हैं हम, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चलिए, इस काम के बारे में हमारे एक साथी ने विधायक को बता दिया कि यहाँ पर ये जो रोड बनाया नहीं गया है, तो उन्होंने सूचना उनको दे दी है। आपको लगता है विधायक जी अब इसकी जाँच करवाएंगे या इसको फिर से बनवाने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर रोलर आएगा? लग रहा है मुझे विधायक इस रुचि लेंगे और मोहनपुर गाँव उनका पर्सनल गाँव है और करवाने की कोशिश करेंगे, बार बार ऐसा नहीं। धन्यवाद जुगनू भाई। तो विधायक जी, आपसे काफी उम्मीदें हैं, आप उम्मीदों पर खरा उतरिए, क्योंकि लोगों ने आपको काम करने के लिए चुना था और यहाँ जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इस पर कहीं ना कहीं ईमानदारी का सप्रे डालकर आप एक बार सिद्ध कर दीजिए कि आपकी सरकार में और आपके क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। खैर, और साथी भाई क्या कुछ कहोगे आप? पहले तो रोड कंप्लीट नहीं बना और जो बना है वो बिल्कुल खराब रोड, बिल्कुल बेकार। रोड ही ऐसे सर्वे साथ दिन चलते हैं, जब भी रोड ही निकलती है ऐसा थूक को पकड़ो करने की जरूरत को ना है, तो फुटकड़ो सही थो पर ही आते जाता है। खर्चने के बावजूद भी जो है रोडियां निकल कर बाहर आ गई है, कई सालों बाद तो इसकी रिपेयरिंग के आदेश आए और जब आए तो वो भी भ्रष्टाचार के अंदर समा गए। तो और क्या, आप क्या, आपका नाम भाई? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, सत्यनारायण नाम है, कि ये सरकार झूठे झांसे ना दे, ये विधायक झूठे झांसे हैं, इसके रोड का कंप्लीट काम कराए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई ने कहा है झूठे झांसे और वादे ना करें, इसकी पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से जांच करवाएं। यहाँ हम पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार है, ये पूरा गाँव भी और ओके न्यूज हरियाणा की पूरी टीम निष्पक्ष रूप से न्यायिक जाँच की मांग करती है। तो विधायक जी, आपसे काफी उम्मीद है, क्षेत्र के लोगों को इन्होंने बताया कि ये मोहनपुर गाँव है, आपका अपना गाँव है, आप इसकी जो है जाँच करवाए। ये छोड़ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको एक जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को, यदि आपके आसपास भी ऐसा कहीं भ्रष्टाचार कहीं नजर आता है तो आप हमारे नंबर जो बार बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।